Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I will be creating a wedding guest makeup look. It will be a very beginner friendly makeup look क्योंकि मैं इसमें अपनी eyes बहुत neutral रखूंगी and I'll create a bold lip. So as always before starting off with makeup I have applied moisturizer on my face and I am using LA Girl Pro Conceal Concealer here. It will help me to cancel out any darkness which I have on my face. And I will apply it on my usual areas that are under my eyes, over my acne marks, whichever I have on my face. And then I'll blend it with a damp beauty blender. जब भी हम ऐसे कोई कंसीलर या कलर करेक्टर यूज़ करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस एरिया पे हमने लगाया है हम उसी एरिया में उसे कॉन्सेंट्रेट करें, पूरे फेस पे ना लगाएं, बिकॉज इससे उसकी जो कवरेज है बहुत शियर हो जाएगी और जिस काम के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं वो काम पूरा नहीं हो पाएगा. लाइक इन दिस केस मैं यूज़ कर रही हूँ तो अपने अंडर आइज़ की थोड़ी डार्कनेस को कैंसिल आउट करने के लिए, तो अगर मैं इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी तो मेरी अंडर आई की डार्कनेस कैंसिल आउट नहीं होगी. Try to use minimum products here. तो मैं इसी product को which is by Makeup Revolution मैं इसी को अपना concealer and foundation की तरह use करूँगी. I will spread it all over my face and फिर अब damp beauty blender से अच्छे से blend out कर दूँगी पूरे face पे बहुत seamlessly. मैंने अपनी eyelids पे भी यही फाउंडेशन कम कंसीलर लगाया है बिकॉज अगर हम अपने आईज़ के ऊपर फाउंडेशन या कंसीलर लगाएं तो वो एक बेस बना देता है आई शेडोज़ के लिए. सो इट हेल्प्स आई शेडोज़ टू पॉप, उनका कलर और भी ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है. अगेन आई एम यूजिंग सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट आउट व्हिच इज़ बाय पैक कॉस्मेटिक्स. As you can see, I'm taking my time in blending this product. As mentioned before also, blending बहुत ज़रूरी है अपने face products को, अपने base को perfect करने के लिए. आप कितना भी महंगा product लगा लो अगर आपने अच्छे से blend नहीं किया आपका makeup कभी भी seamless या perfect नहीं लगेगा. So blending is the key. So that's why I'm taking my time to blend my product बिल्कुल अच्छे से seamlessly, so that ये मेरी skin के ऊपर अच्छे से blend हो जाए and बहुत अच्छा base दे for my makeup products to last longer. Now I am going to set my under eyes using Rimmel London Compact Powder. एंड मैं सबसे पहले अपने अंडर आइज़ को ही सेट करूँगी बिकॉज मुझे अपने फेस पे थोड़े लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो मैं इसलिए अभी अपना पूरा फेस सेट नहीं करूँगी. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट अंडर माई आईज और ओवर माई आईलिड. I'm using Nykaa Cosmetics liquid lipstick as my blush. I will layer it further with a powder blush, but पहले मैं बेस बनाने के लिए इस लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ. It gives you a very natural flush of color, and I'm blending it using my fingers only because that's the best way of blending this product. I'm not still satisfied with this blush color, so मैं थोड़ा और अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी बिकॉज आई वॉन्ट माई चीक्स टू लुक लिटिल बिट मोर पिंक टुडे. बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा और पिंक कलर चाहिए मुझे अपनी चीक्स के ऊपर, सो दैट्स व्हाई आई एम रीअप्लाइंग दिस प्रोडक्ट. नाउ आई विल सेट माई फेस विद द कॉम्पैक्ट पाउडर.
पाउडर बिकॉज मैंने लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है, तो इसके ऊपर उसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अगेन बाय रिमेल लंडन, एंड आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर ऑन माई नेक टू बिकॉज मैंने थोड़ा नेक के ऊपर प्रोडक्ट भी लगाया था, तो वो भी अच्छे से सेट होना चाहिए. आईब्रो केक एंड मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल इन कर लूंगी. द टेक्निक आई एम यूजिंग हेयर इज मैं जो मेरे स्पार्स एरियाज हैं, जो थोड़े गैप्स हैं जो मेरे आईब्रोज में, जो हर किसी के होते हैं, आई एम जस्ट फिलिंग इट देयर. बहुत ज़्यादा अगर हम करें इट लुक्स वेरी अननेचुरल, सो आई एम यूजिंग वेरी सॉफ्ट हैंड हेयर एंड वेरी लिटिल टू ऑलमोस्ट मिनिमम प्रोडक्ट हेयर एंड देन आई ब्रश इट आउट विद द हेल्प ऑफ स्पूली. ज़्यादा नहीं, सो दैट कि थोड़ा कलर और पॉप करे. ब्लश एक ऐसी चीज़ है हमारे मेकअप में जो सबसे पहले फेड होती है, तो इवन अगर आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए सो डोंट वरी, इट विल फेड विद इन सेकेंड्स. एंड फिर जो इसमें कॉन्ट्रोल शेड है, मैं वही ब्लश की जो टिप है उसके ऊपर लेके अपनी साइड्स को थोड़ा कॉन्ट्रोल करूँगी. मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रोल और ब्रॉन्जर पसंद नहीं है, सो आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट, थोड़ा अपनी चीज को चिज़ल्ड लुक देने के लिए. उसके बाद मैंने उसी ब्रश के साथ जिसके साथ मैंने अपना ब्लश एंड अपना कॉन्ट्रोल लगाया, मैं जैसे ब्लेंड कर लूँगी सो दैट कोई हार्श लाइंस ना हो एंड अच्छे से सब कुछ सीमलेसली ब्लेंडेड हो. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश एंड वो ही अपनी कॉन्ट्रोल शेड लेके मैं अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी जस्ट एज अ बेस. आईज़ को बहुत न्यूट्रल रख रहे हैं तो मैं कोई कलर नहीं लगा रही, आई जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ काजल, दैट ऑल्सो वेरी लिटिल सो दैट बिगनर्स के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजीली ये लुक रिक्रिएट की जा सके. हमारा आज का मेन फोकस इज ऑन लिप्स, सो हम आईज़ को बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे. कि मैंने के बाई कचीना का काजल लिया है और इसको मैं रफली अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी. प्रिसाइजली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज सच हम इसे ब्लेंड ही करेंगे, तो आप रफली लगा सकते हो. इसी काजल के पीछे एक स्पूली काइंड ऑफ ब्लेंडर दिया हुआ है, मैं उसी के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ. और पहले मैंने एक आई पे लगाया और उसको ब्लेंड किया क्योंकि ये काजल बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं, तो जैसे आप लगाएं उसी टाइम से ब्लेंड कर लें. नाउ आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसेस ऑन माई अदर आई. I am using very minimum product. As I mentioned before, I want my lips to be the center of this look. So that's why very minimum product. मैं ऐसे एक पतला सा पेंसिल ब्रश काइंड ऑफ ब्रश है वो लेके मैंने कॉन्ट्रोल शेड जो अपनी क्रीज पे लगाया था उसी को इस ब्रश पे लेके आई विल पुट इट ओवर द काजल. जो काजल हमने लगाया है ब्लेंड किया है उसके ऊपर ब्लेंड करूँगी. इससे क्या होगा, एक तो काजल का कलर थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा एंड सेकेंडली इट विल लुक वेरी सीमलेसली ब्लेंडेड एंड बहुत सॉफ्ट लुक आएगी. इट मेक्स योर आईज लिटिल बिग. इस ट्रिक के साथ थोड़ी आईज बड़ी बड़ी लगती हैं बट इट ऑल्सो गिव्स यू वेरी डिफाइंड लुक टू एट द सेम टाइम. अब मैं एक पेंसिल ब्रश लेके आई एम टेकिंग दिस हाईलाइट शेड एंड आई विल पुट इट in my inner corner under my arch of brows and then also jo leftover product hoga isi brush ke upar without taking any excess from the palette main apni eyelids ke upar bhi laga dungi.
इनर कॉर्नर पे हाईलाइट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये अपनी आँखों को बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। It will help me open up my eyes. And I am not using any false eyelashes for this look because, as I mentioned, it is beginner-friendly makeup look. And even without using false lashes, this look will look very pretty and very nice. As you can see, the mascara has really opened up my eyes. मस्कारा यूज कर रही हूँ। अपनी आई आपकी आईज को बिल्कुल डिफाइन कर देता है एंड इट लुक्स वेरी नाइस विद फुल फेस ऑफ मेकअप। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज अप्लाइंग लिपस्टिक एंड फर्स्ट आई एम यूजिंग अ रेड लिप लाइनर जिससे मैं अपनी लिप्स को आउटलाइन करूंगी एंड देन थोड़ा फिल इन भी कर दूंगी। यू कैन यूज एनी लिप कलर लाइक एनी लिप लाइनर विच यू हैव एंड इवन यू कैन चेंज द कलर ऑफ द लिपस्टिक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। The lipstick I'm going to use here is by Color Bar and it's a very beautiful red color. I will mention all the products in my description bar below. You can check it out if you want to check any product which I've used in this video. That is the finished look. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching. Bye.